नमस्ते, मेरा नाम हेमलता दाइमा है। मैं चेतन संस्थान से पेरेंट्स प्लस प्रोजेक्ट में हूँ, जो नगर निगम और BBLF के तहत पेरेंट्स प्लस एक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 0 से 5 साल के बच्चों की परवरिश के बारे में जानकारी दी जाती है। उनके बच्चों के माता पिता के को बताया जाता है कि कैसे बच्चों की परवरिश की जाती है, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों का ऑलमोस्ट ब्रेन का विकास हो जाता है। और जिस तरह से माता बच्चों की परवरिश करती है, पिता की भी पूरी भूमिका रहती है कि ना बच्चों की परवरिश के बारे में। आज हम देवर कॉलोनी आंगनवाड़ी में, जो सुंदरवास एरिया में स्थित है, वहाँ पर अन्नप्राशन दिवस मनाया जा रहा है और हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए अन्नप्राशन दिवस के लिए। मेरा नाम है अलियता साली और देवर कॉलोनी फर्स्ट आंगनवाड़ी है। ये कैंपो एरिया में आंगनवाड़ी है। जो आज जैसलदार गुरुवार को हम अन्नप्राशन का दिवस मनाते हैं, तो अन्नप्राशन दिवस क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी। जब बच्चा 6 महीने का पूर्ण हो जाता है, वो 7वें महीने में लगता है, तो ऊपरी आहार चालू करते हैं। जैसे बच्चे को 6 महीना पूरा हो गया तो माँ के दूध के अलावा जैसे उम्र बढ़ती है तो उसको ऊपर के आहार की भी जरूरत पड़ती है। माँ के दूध की पूरी पूर्ति नहीं होती है तो इसके साथ ऊपरी आहार चालू करते हैं। जैसे कभी पालक दलिया थोड़ा बिल्कुल पतला नहीं, लिक्विड टाइप थोड़ा सा गाढ़ा, न तो पतला न गाढ़ा, एकदम गाढ़ा होगा तो भी बच्चा एकदम खा नहीं पाएगा। थोड़ा लिक्विड टाइप होना चाहिए ताकि बच्चा आराम से खा सके। जैसे दलिया है, कभी खिचड़ी बना दी, कभी आलू मेश करके खिला दिए। और बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए खाने में, खाने की। ये जानकारी बच्चों के माता पिता और प्लस दादा दादी हो, साथ में अंकल आंटी हो, उनको सारी जिम्मेदारी होती है, तो इसीलिए सब परिवार के सभी सदस्य को बुलाते हैं और सभी को समझाते हैं। यही जानकारी हम